हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरत आज फिर एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये न्यू होलैंड दोस्तों 4710 दोस्तों ये लोडर है और ये लोडर रेट में चलता है दोस्तों, तो उसमें लीकेजिंग का प्रॉब्लम है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये पूरा इंजन नीचे की ओर से लीकेजिंग की वजह से पूरा दोस्तों गंदगी फैला हुआ है। आप देख सकते हैं ये सब, तो ये ऑयल लीकेजिंग कहाँ से हो रहा है दोस्तों, क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों, ये ऑयल लीकेज होने की वजह, तो दोस्तों इसी टॉपिक पे हमने ये पूरा वीडियो बनाया है दोस्तों। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ खोलना पड़ेगा दोस्तों, वो हम आपको बताएँगे इस वीडियो में। तो दोस्तों हमको ये आगे से उसका ये सेंटर पिन निकालना है, तो आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। इसमें हम पूरी कोल फिटिंग की डिटेल आपको बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमें ये उसका जो लोडर का रैम यानी कि जैक रहता है दोस्तों, उस पे ऐसे कोई भी लोहा का सी चैनल लगा के इसे अच्छे से लॉक करना है दोस्तों, क्योंकि हमारे काम में ये सेफ्टी मेन रहती है दोस्तों। तो दोनों और इस तरह से इसे अच्छे से ऐसा सी चैनल लगा के लॉक कर लेना है दोस्तों इसे। दोस्तों इसमें ये ऑयल चैम्बर से लीकेज करता है दोस्तों, जो इंजन का ऑयल रहता है दोस्तों उसी का ये लीकेजिंग है, तो उसकी मेन वजह क्या है दोस्तों, ये कहाँ से लीकेज करता है दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं ये पूरा गंदगी दोस्तों ये ऑयल आने की वजह से पूरा ख़राब हो चुका है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें ये उसका चार बोल्ट निकालना है ब्रैकेट का, और ये भी ये पूरा ब्रैकेट हमें बाहर निकाल लेना है, क्योंकि दोस्तों हम इसका सेंटर पिन निकालना है दोस्तों। इस ओर से भी ये चार बोल्ट निकालना है, उसके बाद ये जो ऑयल का आउट इन दोनों सेक्शन रहता है दोस्तों उसे निकाल लेना है, उसके बाद ये ऑयल फिल्टर बॉडी भी हमें निकालना है दोस्तों। और दोस्तों उसका हमें रेडिएटर निकालना है, उसके बाद दोस्तों हमें उसे उसका जो सेंटर पिन निकालने से पहले दोस्तों इसमें हमें इंजन सेंटर लगाना पड़ेगा। और दोस्तों उसके बाद हमें ये जॉइंट भी निकाल लेना है, ये जो इसका लोडर का हाइड्रोलिक पंप दोस्तों आगे की ओर जो लगा रहता है दोस्तों, उसका ये जॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका आगे से दो पार्ट करना है दोस्तों, यानी कि उसका सेंटर पिन हमें बाहर की ओर निकालना है। और दोस्तों हमें ये ऑयल का पाइप निकालना पड़ेगा, जो पावर स्टेरिंग का दोस्तों रहता है इसका, वो भी हमें यहाँ से निकाल लेना पड़ेगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे जो आप नीचे की ओर देख रहे हैं दोस्तों, उसको ये फोर ड्राई का जो जॉइंट रहता है दोस्तों वो भी हमें निकालना है, क्योंकि ये फोर ड्राई है दोस्तों न्यू होलैंड 4710। तो दोस्तों उसका मेन रीज़न क्या है, ये ऑयल आने की मेन वजह क्या है दोस्तों, हम पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका मेन रीज़न क्या है, ये ऑयल क्यों आता है दोस्तों, और ये कहाँ से लीकेज होता है, उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में बताएंगे। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमने आपको जो जो चीज़ बताया था वो सब हमने खोल लिया है दोस्तों जल्दी से, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी से सब आपको पूरा डिटेल बताने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमने नीचे की ओर एक ट्रॉली लगा लिया है, और इंजन सेंटर भी अच्छे से लगा लिया है, और दोस्तों इसे हमें आगे की ओर निकालना है, और इसमें बहुत ज़्यादा वेट रहता है दोस्तों, क्योंकि ये फोर ड्राई है, तो इसको किस तरह से निकालते हैं दोस्तों ऐसे आगे की ओर धक्का देके। हाँ तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसे दोनों ओर से आगे की ओर हल्का हल्का धक्का देके दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये निकल जाता है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो अभी हमने इसका ये सेंटर पिन दोस्तों कुछ इस तरह से निकाल लेना है,
ये बहुत आसानी से दोस्तों निकल जाता है। थोड़ा सावधानी दोस्तों इस काम में बरतना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत भारी भरकम वेट रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारी सेफ्टी है दोस्तों। तो ये हमारा सेंटर पिन दोस्तों अभी निकल चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आहिस्ता। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमने इसका सेंटर पिन निकाल लिया है कुछ इस तरह से। उसे अच्छे से सेफ जगह रख लेना है दोस्तों। तो दोस्तों अभी इसका मेन रीज़न कि ये ऑयल आने की मेन वजह क्या है, ये कहाँ से लीकेजिंग हो रहा है दोस्तों, वो हमें अभी देखना है दोस्तों कि ये ऑयल आने का मेन रीज़न क्या है, ये ऑयल इतना लीकेज क्यों होता है चैम्बर से, ऐसा कौन सी जगह से लीकेज है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमें ये लीकेजिंग का मेन रीज़न मिल चुका है दोस्तों। इसका ये गैलन फंस चुका है दोस्तों, आप देख सकते हैं। बस ये उसका मेन रीज़न है दोस्तों, इसी की वजह से ये पूरा ऑयल यहाँ से लीकेजिंग करता है दोस्तों, और ये पूरा गंदगी इसी की वजह से फैला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों हमें इसका मेन रीज़न मिल चुका है, तो अब हम इसे ये पूरा चैम्बर नीचे की ओर निकालेंगे दोस्तों। दोस्तों इस तरह से इसको चैम्बर को निकालना है हमें। दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा दोस्तों। ये चैम्बर निकालने के बाद इसको नया पैकिंग किट कैसे डालते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। हाँ तो दोस्तों अभी हम इसका ये जो चैम्बर है दोस्तों उसे जल्दी से खोल लेते हैं। और दोस्तों ये हमें फिल्टर बॉडी भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे की ओर जो 13 नंबर का बोल्ट रहता है दोस्तों वो खोलने में हमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसकी वजह से इसे हमें निकालना पड़ेगा। तो हम इसे भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी हमें डालना है चैम्बर पैकिंग किट, नया चेंज करना है दोस्तों, इसकी वजह से हमें ये पूरा चैम्बर नीचे की ओर निकालना पड़ेगा दोस्तों। तो हम इसे खोल लेते हैं। और दोस्तों ये सिमसम इंजन है जो MESI 1035 DR में दोस्तों इंजन रहता है, सेम वही इंजन है। और जो 248 में रहता है दोस्तों सेम वही इंजन है ये, यानी कि उसका डिज़ाइन सेम है दोस्तों। उसका HP अलग अलग रहता है 35 का, 248 का। और दोस्तों ये न्यू होलन है 4710। तो यानी कि उसका जो चैम्बर का किट, चैम्बर पैकिंग किट रहता है दोस्तों वो सेम है, 1035 DI मेसी में भी लगता है। उसके बाद 241 MESI DI रहता है दोस्तों, उसमें भी लगेगा, यानी कि जो DI ट्रैक्टर है उसमें लगेगा। और ये न्यू होलन का भी सेम ही है, क्योंकि उनका जो चैम्बर का डिज़ाइन है दोस्तों ये सिमसम इंजन का सेम है। तो हम अगर आपके पास में मेसी ट्रैक्टर है दोस्तों तो उसमें भी आप ये चैम्बर किट, चैम्बर पैकिंग किट डाल सकते हैं दोस्तों। तो उसको कैसे चेंज करते हैं दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिएगा, हम इसमें आपको पूरा डिटेल बताएंगे। और दोस्तों उसे खोलने के बाद उसको कैसे नया चैम्बर किट चेंज करते हैं वो पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि हमने ये चैम्बर को खोल लिया है, यानी कि निकाल लिया है दोस्तों। दोस्तों ये बहुत आसानी से खुल जाता है। तो अभी आपने देखा दोस्तों कि इसका ये जो चैम्बर का गैलन रहता है दोस्तों ये पूरा टूट चुका है, फट चुका है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से इसका लीकेजिंग का ये मेन रीज़न है दोस्तों, इसी की वजह से पूरा ऑयल लीकेज हो रहा था दोस्तों ये आगे की ओर से। तो दोस्तों इसमें अभी हम नया ये पीछे की ओर का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें अभी हम नया चैम्बर पैकिंग किट डालेंगे दोस्तों। तो हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे सबसे पहले दोस्तों, क्योंकि सफाई में हमारी आधी सफलता होती है दोस्तों। तो इसे हम अच्छे से क्लीन करते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इसमें कितना ये सब ऑयल लीकेज होने की वजह से पूरा गंदगी जमा हुआ है दोस्तों। तो इसे हम अच्छे से क्लीन करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे काम में ये सफाई मेन चीज़ रहती है दोस्तों। और मेरा मानना ये है कि ये जो सफाई हमारे काम की आधी सफलता होती है दोस्तों। तो हम इसे अच्छे से क्लीन करेंगे दोस्तों। इसे सबसे पहले हम डीजल से वॉश करते हैं, उसके बाद पानी से। हाँ तो दोस्तों आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें,
और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि दोस्तों हम हर रोज़ आपके लिए ऐसे नए नए टॉपिक्स पे वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि हमने उसको डीजल से वॉश करने के बाद अच्छे से, ये हमारे सैनिटेशन की मदद से दोस्तों हम इसे पानी से भी वॉश कर लेते हैं। और दोस्तों, आपने हमारी काफ़ी वीडियो देखी होंगी कि कोई भी काम मैं बिना सफाई के नहीं करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना ऐसा है कि सफाई हमारे काम की आधी सफलता होती है। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन वो सही नहीं है दोस्तों। मैं सफाई को बहुत बहुत मायने देता हूँ दोस्तों, क्योंकि सफाई में ही हमारी सफलता होती है। तो दोस्तों, ये हमारा पार्ट वन दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इसे पार्ट वन में डालेंगे दोस्तों। और जो फिटिंग की पूरी जो प्रक्रिया रहेगी दोस्तों, उसका हम पार्ट टू बनाएंगे, कि उसमें किस तरह से चैम्बर की चेंज की जाती है, किस तरह से उसको पूरा फिटिंग किया जाता है, उसके लिए दोस्तों हम पार्ट टू बनाएंगे। तो प्लीज़ आप हमारा ये पार्ट टू भी देखना ना भूलें दोस्तों। ये पार्ट वन में हमने किस तरह से खोला, किस तरह से इसको हमने चैम्बर किट निकाला, और ये पूरा वॉशिंग का प्रक्रिया हमने आपको बताया। तो प्लीज़ ये पार्ट टू में आपको पूरा फिटिंग का जानकारी मिलेगा दोस्तों। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और दोस्तों, हम हर रोज़ नई नई टॉपिक्स पे आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे, तो आप हमारे इस नेक काम में हमारे साथी और सहभागी बने। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों तक भी ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश करें दोस्तों। मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे और किसान भाइयों तक भी हमारी ये वीडियो पहुँचाएगी, क्योंकि हमारे और किसान भाइयों को भी ये जानकारी मिल पाए दोस्तों। क्योंकि बहुत से किसान भाइयों को दोस्तों बहुत सी परेशानियाँ होती है, लेकिन सही ढंग से उनको कोई सुझाव नहीं मिलता। तो हमें, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो उसकी मदद से वो हमें कॉन्टेक्ट करके कुछ भी पूछना चाहे तो हम उसका पूरा पूरा सहयोग देंगे दोस्तों। तो ये हमारा पार्ट वन, और दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं हम पार्ट टू में। तो प्लीज़ आप हमारा पार्ट टू देखना न भूले। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।